खारघर स्पोर्ट्स अकॅडमी आणि युवा प्रेरणा सामाजिक संस्था यांच्या वतीने लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक तसेच क्रीडाविषयक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांचा वाढदिवस 2 जून रोजी असून या निमित्ताने खारघर स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या वतीने रविवारी भव्य अशा फर्स्ट टॉप रँकिंग ओपन रोड रोलर स्केटिंग चॅम्पियनशिपचे आयोजन सेक्टर 14 खारघर गाव मेट्रो स्टेशनजवळ करण्यात आले होते. या स्पर्धेला पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर आणि पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी भेट देऊन उत्कृष्ट नियोजनाबद्दल आयोजकांचे कौतुक केले. तसेच खेळाडूंना प्रमाणपत्र आणि बक्षीस देऊन त्यांचा गुणगौरव केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रथमच खारघर शहरात या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून यामध्ये जवळपास 200 खेळाडू सहभागी झाले होते. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर, भाजपचे खारघर शहर अध्यक्ष प्रवीण पाटील, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा सचिव ब्रिजेश पटेल, कीर्ती नवघरे, ॲडव्होकेट अमर उपाध्याय, खारघर स्पोर्ट्स अकॅडमीचे अध्यक्ष किरण पाटील, युवा प्रेरणा सामाजिक संस्थेच्या सचिव तथा माजी नगरसेविका नेत्रा किरण पाटील, प्रशिक्षक मोहम्मद सियाद, दिलीप जाधव, युवा मोर्चाचे खारघर शहर अध्यक्ष नितेश पाटील, उपाध्यक्ष प्रवीण बेरा, सचिव आदित्य हादगे, मंजू चोप्रा, मिनल होसगट्टी यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. आपने ये जो कंपटीशन रखी हुई है बहुत ही अच्छी ऐसी कंपटीशन आपने यहाँ पे रखी हुई है. स्केटिंग और स्केटिंग के माध्यम से स्पोर्ट्स के और स्पोर्ट्स से हमारे सभी युवा ये जुड़े रहे और खुद के यहाँ पे पर्सनलिटी डेवलपमेंट पे वो हमेशा काम करे. इसके लिए स्पोर्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी है. किरण पाटिल जी नेत्राताई ये हमेशा खारघर वासियों के लिए हमेशा एक अच्छे अच्छे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करते हैं जिसके द्वारा यहाँ खारघर के सभी खारघर वासियों को उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या उनके दैनंदिन उनकी समस्याएं हो या उनको विकास उनको उनके विकास के लिए जो मतलब चलो जिस माध्यम से वो काम कर सके उनको फायदा हो सके ऐसे कार्यक्रम आयोजित वो हमेशा पूरे साल करते हैं. और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग यहाँ खारघर वासियों को होता है. आज भी यहाँ माननीय लोकनेता रामशेठ ठाकुर जी जिन्होंने खुद का पूरा जीवन लोगों के विकास के लिए खुद को समर्पित किया हुआ है और उनके जन्मदिन पे यहाँ पे इस तरीके का एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है जिसकी वजह से हमारे युवा वर्ग को स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण निर्माण हो और खुद को यहाँ पे खुद को एक्टिव रखने के लिए खुद को क्रिएटिव रखने के लिए और खुद में हमेशा एनर्जी भरी हुई हो इसके लिए स्पोर्ट्स से जुड़े रहने के लिए यहाँ पे जो माध्यम किरण पाटिल जी नेत्रा पाटिल मैडम इन्होंने जो यहाँ पे उपलब्ध करके दिया हुआ है इसके लिए मैं उनको यहाँ पे हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ. और इसके आगे भी इस तरीके के ऐसे ही कार्यक्रम वो पूरे साल भर वो इसके आगे भी आयोजित करते रहे इसके लिए उनको इसके आगे के लिए भी मैं शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूँ.